एमसीयू के अंदर क्विक सिल्वर को पावर कैसे मिला जबकि बाकी सुकोवियंस जो भी माइंडस्टोन वाले प्रोग्राम में शामिल हुए थे वो सब के सब मर गए थे। जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो वो है वांडा एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर दूं तो वो है वांडा का हेक्स पावर। आपको याद होगा कि बचपन में एक बॉम्ब गिरा था वांडा के घर में जहां पर वांडा ने प्रोबेबिलिटी हेक्स यूज किया था जिसके मदद से उसने बॉम्ब को फटने से रोका था। उसी तरह माइंडस्टोन वाले एक्सपेरिमेंट में लोगों को मरते देख यहां पर भी वांडा ने प्रोबेबिलिटी हेक्स यूज किया था ताकि वो अपने भाई को मरने से बचा सके। एंड क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पावर देने के लिए था तो यहाँ पे पियेत्रो को सुपर स्पीड पावर मिल जाती है। पियेत्रो एक लौता कैरेक्टर नहीं है एमसीयू के अंदर जिसको पावर्स मिले हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वांडा विजन में वांडा के हेक्स के अंदर आने के प्रोसेस में मोनिका को भी पावर्स मिल गए थे। आपका क्या कहना है इसमें आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं।